इसलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आपको अपन आज क्या है, हिंदी सेकंड में फोर्थ लेसन संज्ञा पढ़ेंगे। तो फ्लावर से क्या है, संज्ञा कोई भी व्यक्ति का नाम है, जैसे राम श्याम, ठीक है, राम श्याम चिराग अक्षय, जो भी नाम आया वो क्या है, व्यक्तियों का नाम। वस्तु कुछ भी, मेज कुर्सी पेन कलम इत्यादि इत्यादि वस्तु, ठीक है। स्थान का नाम आया जयपुर है, अक्षरधाम मंदिर राम मंदिर, ठीक है, स्थान है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, ये क्या है अपने किसी भी स्थान का नाम। और ये भाव अपने अंदर कुछ भी भाव, कोई बहुत अच्छा दोस्त है मित्रता का आ गया, शत्रु बन गया कोई अपना शत्रुता का भाव आ गया, ठीक है, घृणा कर रहे हैं नफरत कर रहे हो आप तो अंदर क्या भाव आ गया, घृणा का भाव आ गया है। तो ये देखो अपन सबके पिक्चर के द्वारा देखा है। तो इसमें क्या है, संज्ञा किसको कहते हैं, किसी भी चीज का नाम है वो एक क्या है, संज्ञा है। अब किसी भी व्यक्तियों का नाम आ गया तो संज्ञा है, चाहे वो मदर टेरेसा हो, चाहे लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर हो। किसी भी जानवर का नाम है, पशु पक्षियों का नाम है, ठीक है, जैसे कबूतर है, चिड़िया है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, चीता है, शेर है, भालू है, वो सब क्या है, संज्ञा है। फिर वस्तु है तो देखो कुर्सी कलम क्या है, ये घड़ी, ये अक्षरधाम, अक्षरधाम भी गुजरात में है तो ये अक्षरधाम एक नाम है, ठीक है। हिमालय भी हिमालय पर्वत का नाम है, ठीक है। ताजमहल भी आगरा में है, ताजमहल किसी क्या है, अपनी ऐतिहासिक इमारत है, ठीक है, वो देखने लायक है। तो ये सब क्या है, नाम है, ये भाव आ गए अपने अंदर। तो इसमें लेसन क्या कह रहा है कि किसी संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई सबको मिला के, कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बोध कराना मतलब आपको ज्ञान कराना, बोध कराना आपको ज्ञान, उसकी जानकारी होना, उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इनके अलावा भी कुछ नाम है, देखो बेटा शहरों के नाम हो गया, जैसे आगरा, मुंबई, नोएडा, नोएडा का है दिल्ली के पास, बरेली, दिल्ली आदि, किसी भी जगह का नाम हो वो क्या है, संज्ञा। दिनों के नाम अपने, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये भी क्या है, मंडे टू संडे, ये सारे नाम भी किस में आएंगे, संज्ञा में। अगर मैंने कह दिया सोमवार क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम, आप क्या कहोगे मैडम, संज्ञा, क्योंकि ये संज्ञा में ही गिने जाते हैं। फलों के नाम, जितने भी फ्रूट्स के नेम है, ठीक है ना, सेब संतरा आम केला पपीता चीकू आदि आदि, ये सारे क्या है, संज्ञा। किसी का भी नाम है ना, यहाँ आया कि सबको मिला के एक ही वर्ड याद रखो, कुछ भी नाम है वो क्या है, संज्ञा है। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, घाघरा, ठीक है ना, यमुना, ठीक है, गंगोत्री, जितनी भी नदियां हैं वो भी नाम है। आप ऐसे बोलो नदी बह रही है तब तो पता नहीं कौन सी नदी की बात कर रहे हो, आप कर रहे हो गंगा नदी बह रही है तो उस नदी का नाम क्या हो गया, प्रॉपर गंगा, तब वो क्या हो गई, संज्ञा हो गया, क्योंकि उसका नाम है एक। इमारतों के नाम देखो, कुतुब मीनार है, मंदिर, ताजमहल, मस्जिद, चर्च आदि, ठीक है, सारों का नाम है। आप कह रहे हो मैं मस्जिद जा रहा हूँ, जब तो ठीक है, लेकिन आप अगर मस्जिद का नाम लेते हो कि मैं दरगाह जा रहा हूँ, अजमेर दरगाह जा रहा हूँ, तो वो पर्टिकुलर उसकी जगह का नाम हो गया ना उसका, तब आप क्या कहोगे, वो संज्ञा है। कुतुब मीनार दिल्ली जा रहा हूँ, उस स्थान का नाम हो गया कुतुब मीनार, दिल्ली है, मैं दिल्ली गया कुतुब मीनार देखा, तो कुतुब मीनार भी क्या हो गया, एक है दिल्ली में, एक ही है इसलिए उसका नाम है पर्टिकुलर, इसलिए वो हो गया। अब आप कहते हो, आप अपना राम मंदिर बन रहा है, ठीक है ना, राम मंदिर बन रहा है, आप मानो आप कभी कह रहे हो कि मैडम राम मंदिर बन रहा है, तो वो मंदिर है लेकिन उसका नाम क्या हो गया, राम मंदिर, तो वो संज्ञा है। वाहनों के नाम, कार, बस, रेलगाड़ी, तांगा, मोटरसाइकिल आदि, ठीक है, जितने भी है, रेलगाड़ी हो, बस हो, तांगा, मोटरसाइकिल, टैक्सी, कुछ भी है, इनके भी नाम है,
तो ये भी संज्ञा में गिने जाते हैं। महीनों के नाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई से दिसंबर तक, और वार भी है ना सोमवार रविवार, ये दोनों चीज अपनी संज्ञा में ही गिने जाएंगे जब भी इनकी बात होए संज्ञा में, चाहे नाम हो चाहे नाम चला हो किसी का, मतलब अपनी संज्ञा से क्या हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम है। अब देखो घर में चार लड़के हैं, कोई कहता है कि क्या है कि मेरे घर में चार लड़के रहते हैं, लड़के तो चार है कौन से पता नहीं, लेकिन क्या है कुछ ये कहते नहीं सुहान तो हमारे घर रहता है, ठीक है ना, सुहान हमारे घर रहता है, तो सुहान से क्या हो गया, सुहान उसका नाम है ना, तो आप सुहान क्या हो गया, संज्ञा हो गया, नाउन हो गया। जैसे अली और ये जैनब दोनों साथ स्टडी कर रहे थे तो थे ना, तो जैसे लड़के का नाम आ जाए ना तो क्या होता है कि जैसे अली साथ बैठे तो अली हमारे घर रहता है, तो अली एक क्या है उसका नाम है, तो वैसे किसी का नाम है क्या, हमारे घर में गाय है, तो गाय क्या है, घर भी नाउन हो गया और गाय भी नाउन हो गई, तो नाउन किसी चीज का बताता है। अब देखो चित्रों को देखो आप, नाउन ही है ये, आपको बताया किसी व्यक्ति का नाम है, इन चित्रों को देख के बताओ, देखो आप खुद देखो चित्र पहचान के उनके नाम लिखो, जो फर्स्ट चित्र है वो किसकी है, वो पहचानो किसकी है, अपना नायक है मतलब एक्टर है आपका, हीरो कौन है, अमिताभ बच्चन की, वेरी गुड। सेकंड पिक्चर देख के बताओ किसकी है, हाँ वेरी गुड, महात्मा गांधी की। थर्ड पिक्चर, हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ, वेरी गुड, वल्लभ भाई पटेल की है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी तथा भाव के नाम का जो बोध कराए उसके शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। छोटे रूप में हम देखें तो क्या है, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, चाहे प्राणी का नाम हो वस्तु का नाम हो किसी भाव का हो या किसी का भी नाम हो, वो क्या है, संज्ञा है। तो सब बच्चों को संज्ञा समझ में आया होगा, आज अपना संज्ञा का फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर अपन कल रीड करेंगे। बाय मैम। चलो मैम।